आज का जो टॉपिक है वो है डर्मल फिलर। दोस्तों आप जानते हैं कि ये फिलर एक हाइलुरोनिक एसिड नाम के नेचुरल सब्सटेंस से बना होता है। हाइलुरोनिक एसिड अपने शरीर में एबंडेंटली माने बहुत ज्यादा तरीके से पाया जाता है, लेकिन एज के साथ धीरे धीरे वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें झुर्रियां पड़ती हैं, रिंकल्स पड़ती हैं, चेहरे में वॉल्यूम लॉस दिखता है। तो भले ही उसको डर्मल फिलर बोला जाता है, लेकिन डर्मल फिलर हमेशा डर्मिस के अंदर ही नहीं डाला जाता है, माने चमड़ी के अंदर नहीं डाला जाता है। वो अलग अलग टाइप के होते हैं, आपकी फैट पेड्स के लिए, डीप आपके बोन्स पे एलिवेशन करने के लिए, या आपकी सॉफ्ट टिश्यू के एलिवेशन करने के लिए भी डर्मल फिलर का प्रयोग किया जाता है। डर्मल फिलर अगर आप चमड़ी में यूज करना चाहते हैं तो उसको स्किन बूस्टर्स बोलते हैं। तो अलग अलग हाइलुरोनिक एसिड के कॉन्सेंट्रेशन और अलग अलग क्रॉस लिंकिंग वाले जो सब्सटेंस होते हैं उनका प्रयोग करके आप आपकी एंटी एजिंग पा सकते हैं। मैंने एजिंग की वजह से आपका वॉल्यूम लॉस हो रहा है, आपको रिंकल्स पड़ रही है, आपको सेगिंग हो रही है, तो उसका ट्रीटमेंट आप अलग अलग टाइप के डर्मल फिलर से करा सकते हैं। तो डर्मल फिलर के प्रयोग के लिए आपको बहुत ही ट्रेंड डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, और इसके लिए अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये वीडियो के एंड में है। उसके ऊपर सुबह 8 से लेकर शाम के 8 के बीच आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपने आपका मूल्य समय निकाल के ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।